सिंगरौली जिले में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती गुरुवार को विभिन्न संगठनों द्वारा जिला स्तर पर मनाई गई। आज सुबह 8 बजे बेडन अंबेडकर चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए गए। अंबेडकर चौक से रैली निकाली गई, शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस अंबेडकर चौक पहुंची। इस दौरान रैली का जगह जगह फूल बरसा कर स्वागत किया गया। बाबा साहेब की प्रतिमा को माला पहनाते कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि भीमराव अंबेडकर जयंती पर जिला कलेक्टर, एसपी, बीजेपी जिला अध्यक्ष, विधायक सहित दलित नेताओं ने माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किए। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रति कार्यों को याद किया गया। इसके साथ अंबेडकर जन जागरण रैली निकाली गई। भाजपा नेता सहित दलित नेता व संगठन के लोग मौजूद रहे। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब ने जिस उद्देश्य संविधान बनाया था, उस संविधान का सब लोग पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी बधाई देते हुए कहा कि बाबा साहेब के आदर्शों को सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे वीरेंद्र सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने अकेले असहाय, निर्धन, दलित और इन लोगों के लिए इतना काम किया है, इससे सभी लोग बराबरी में आ सके। बधाई देते हुए कहा कि मेरी सब लोगों से अपेक्षा रहेगी कि अंबेडकर साहब ने जो सिद्धांत व रास्ता बताया था, उसी सिद्धांतों पर सभी को चलना चाहिए। इन्होंने केवल दलित समाज के ही नहीं, हिंदुस्तान के एक एक वर्ग के लिए काम किए हैं। असंख्य भाषाओं के बारे में जानते हैं। बाबा साहेब की जीवनी के बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए। उनके आदर्शों व सिद्धांत को सबको अनुसरण करना चाहिए और जो कर्तव्य पथ हमें दिखाया है उसमें हमें आगे चलना चाहिए। उनके आदर्शों पर चलकर जो उनकी जो विशेषताएं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो रखी थी उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और निरंतर उनके बताए मार्ग पर आगे चलना। उनको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो आदर्श बाबा साहब ने दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है देश को, उस पर सभी को चलना है, ऐसा मेरा सबसे अनुरोध है, आग्रह है, यही मेरा कहना है। थैंक यू। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।